الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا میری قوم کے چلانا نرانا میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے ساتھیوں میرے ہم سفروں میرے ہم قدموں محمد کے غلاموں مدینے والے کے پروانوں آمریت کے خود پر ضربت آئے کاری لگانے والوں نظام آئے باطل کو ٹھکرانے والوں موچی دروازے کا یہ عظیم شان میدان پہلی دفعہ تنگی دامن کا شکوا کر رہا ہے اور چشم فلک دیکھ رہی ہے سورج دیکھ رہا ہے آسمان دیکھ رہا ہے زمین دیکھ رہی ہے موچی دروازے کے بڑے دیوار دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس وقت مارشل لا کے خداؤں کو لمکارا تھا جب مارشل لا کے خلاف بات کرنے والوں کی زبانیں کاٹی جاتی تھیں جانتا ہے اور میں اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں موچی دروازے تو نے کبھی ایسے عاشقوں کا اجتماع نہ دیکھا تھا کہ جن کے ایمانوں کی گرمی کے سامنے سورج کی گرمی بھی مان پڑ گئی ہے آج
आज मेरे लिए बड़ी भारी थी, मैं रात भर अपने रब से दो दुआएं मांग रहा था, अल्लाह हक वालों की लाज रख लेना, और जब मैं मोची दरवाजे में आया तो मैंने देखा मेरी दुआ मुजस्सम हो चुकी थी, हद निगाह तक इंसानों का हुजूम था, और दूसरी दुआ मैंने मांगी थी, अल्लाह कड़े दिन है, कड़ाके की गर्मी है, 12:30 बजे इस्तेमाल शुरू होगा, अगर तू बादलों को भेज दे तो तेरी बारगाह में प्यासम ही आ जाएगी। दो दुआएं मांगता रहा और देखा एक दुआ रब ने सुन ली, एक न मानी। मैं सोच रहा था इसमें क्या हिम्मत थी, मेरे काम में किसी ने चुपके से निराली, इसमें हिम्मत यह थी रब चाहता था कि इन कड़े लोगों का इम्तिहान कर ले, इन्होंने कड़ाके की गर्मी सहनी है क्योंकि इन्होंने 9 साल तक कड़ाके की अमलियत को बर्दाश्त किया है। इन्होंने आमरियत के बुत को ललकारा, और सुनो हम लोग थे और पकी हुई फसलों की कटाई के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, बीज बोने के लिए रातों की तन्हाइयों में हम थे, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहन संजी रही थी, और सरपरोशों के लिए दार और रथन कायम थे, सादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी। आप जमहूरियत के अलंबरदार बहुत बनते हैं, बहुत कहते हैं हमारी वजह से, हमें मालूम है हम उन तमाम लोगों को सलाम करते हैं जो आमरियत के खिलाफ सफाया है, लेकिन लोगों हक कहते रहो, हक कहते चलो, और सुन लो कोई यह न समझे कि हम जाने वाली आमरियत के खिलाफ, जाने वाली आमरियत के खिलाफ भी और आने वाली आमरियत के खिलाफ भी हम हैं, हम वो लोग जिन्होंने वीरानों में आजादी दी थी। आज दंगे डालने वालों, वक्त करने वालों, ढोल और पासे बताने वालों, बतलाओ जब शाही किले के अंदर से मजलूमों की आहें और कराहें बुलंद हो रही थी, वो कौन था जिसने मिंडो पारस के मैदान में इतना में आमरियत का ललकारा और उसके जुलम और बर्बरियत की मजम्मत की थी।
आज हम थे आज भगोड़े भी हीरो बन गए हैं। हम थे जिन्होंने इस वतन में रहते हुए सियाल हक की ना मर्जी की परवाह की, ना सियाल हक की जननी की परवाह की थी। हम थे पहले नवाज शरीफ ने तरीका किया और नवाज शरीफ अभी मेरा वजू टूटा है, मेरा नाम लेते हुए हया आती है। पर कहते हैं इसके नाम का हिस्सा है शरीफ, मैंने कहा वो तो बाबरा शरीफ के नाम का भी हिस्सा है। सुनो, आज गरीबों का दर्द उठा है कई निभाया यारे रोजे माचर छुपेगा कुछ तो का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। अब सुनो मोती दरवाजे, तूने इकतदार वालों के इज्तिमा भी देखे, इकतदार के ख्वाहिशमंदों के इज्तिमा भी देखे, और आज उनका भी इज्तिमा देख। ना इकतदार वाले ना इकतदार चाहने वाले चाहते हैं तो मदीने वाले के नाम की बुलंदी चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। हम ना इकतदार वाले ना इख्तलाफ वाले, हमने हर दौर के जुल्म के खिलाफ सीना सिपर रहना, अपने आवा का वक्ता जाना है। हदीस वो है जो हर जालिम के खिलाफ सीना कपर रहता है। जालिमों की चौखट पर झुकने वाला अहले हदीस हो सकता, और उसी बोले जालिमों की चौखट पर झुकने वाला अहले हदीस हो सकता शहीद का शहीद के मानने वाले। सुन लो, और हमसे इसीलिए लड़ते हैं आने वाले भी जाने वाले भी, कि मैं खटकता हूं दिले यज़्दा में कांटे की तरह, मैं खटकता हूं दिले यज़्दा में कांटे की तरह। और सूफी साहब तू फकत अल्लाह हूं, तेरी अल्लाह हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे पहले कुछ ऐसी बातें कह दी हैं मुझे छेड़ने के लिए, कुछ मौलवियों का तस्करा किया है, और मौलवी भी सलाजीत बेचने वाले। अब लेके आओ सलाजीत, ज़ियाउल हक की टांगों को मालिश करो। अब इन टांगों से खड़ा हुआ जा सकता? सुन लो, तुम इनको मालिश करो सलाजीत की, इंशाल्लाह टांगें भी गिरेंगी, उनके मलबे के नीचे आके तुम भी गिर जाओगे। इस्लाम और मैंने पहले जलसायाम में मैंने ये कहा था, मुख्तलिफ जाति
की जमातों के रहनुमा थे। मैंने कहा था तुम इससे जमहूरियत का हिसाब लेना, मैं इस्लाम का हिसाब दूंगा। और उसको पता चल गया है, अखबार में खबर छुपी थी कि आज लाहौर आ रहा है, उसको पता चल गया वहाबी मोची दरवाजे में मेरे इस्लाम का हिसाब लेने आए हैं, सफर मुलतवी कर दिया है। सुनो, सफर मुलतवी से कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्तदार मुलतवी करो इक्तदार। और जज्जामी ने कहा है चले जाए इज्जत से। हजरत साहब, इस मुल्क में कोई इमाम मस्जिद किराए का मकान उस वक्त पर खाली नहीं करता जब तक के उसके बिस्तर को उठा के बाहर नहीं फेंका जाता है। ये मौलवी ज़ियाउल हक पूरे मुल्क की कुर्सी कैसे खाली कर देगा। हम ऐलान करते हैं बवांगे दौल ज़ियाउल हक, तुम भी सुन लो और तेरा बांसुरी बजाने वाला वजीर आजम भी सुन ले, ये मुरली बजाने वाला वो भी सुन ले। सुन लो, कहते हमारे जलसे में भी बड़े बंदे आते, तुम्हारे जलसे में आते नहीं लाए, मगर ना आज जरा इस्तीफा देके देखो तो सही कितने आते हैं। और कहता है हम भी नुमाइंदे और इस्लाम के नुमाइंदे। कौन सा इस्लाम? वो इस्लाम जिसने रेप पर से पाबंदी उठाई है, वो इस्लाम जिसने शराब को आम किया है, वो इस्लाम जिसने लोगों की बहु बेटियों को बेआबरू करवाया है, वो इस्लाम जिस इस्लाम के दौर में लोगों को झूठ कहा गया कि हमने हुदूद आदिन स्थापित किया, जिना की हद नापस की गई, जिना के अड्डे खुले रखे गए, यह इस्लाम। और मेरा इख्तिलाफ तुमसे यह है, तुमने इस्लाम के बारे में लोगों के खूबसूरत ख्वाबों और ख्यालों को चिकनाचूर किया है। लोग समझते थे इस्लाम आएगा हमारे दुखों का मुदावा हो जाए, तुम आए लोगों के दुखों में हजार गुना इजाफा हुआ है। और बेहमियती और बेशर्मी की इंतहा है। कहता है 9 बरस में अकेला हुक्मरान रहा, ऊपर खुदा नीचे कोई नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला। कहता है मैं इस्लाम के निजाम के निपाज में नाकाम हो गया और बेशर्म यह है फिर भी बैठा हुआ है, नाकाम भी हो गया है और बैठा हुआ भी है। ज़ियाउल हक सुन लो, इज्जत के सारे रास्ते तेरे लिए बंद हो चुके, अब तेरे लिए इज्जत का कोई रास्ता बाकी। जिन्होंने मोहम्मद के दीन से बेवफाई की है रब कभी उनको सहारा नहीं दे सकता, रब कभी उनको सहारा। तूने इस्लाम को रुसवा किया, तूने इस्लाम पसंदों को रुसवा किया, तूने इस्लामी जमातों को रुसवा किया। और आज लोग हमसे कहते हैं ये है जमानत फिर जिंदा हो गई है। हम कहते हैं कि मैं अगर सोख का सामना हूं तो ये रोज़े सियाह खुद दिखाया है मेरे घर के चिरागा ने मुझे। इस हेजमालों को भी अगर जिंदा रखा है तो ज़ियाउल हक ने जिंदा रखा, उसके हवालियों ने जिंदा रखा है। इसलिए आज सुनो, सुनो इसको क्या असर होता है। इन्नी पीठ मिट्टी का जिन्ना मर्जी कह ले इस कड़े पर असर नहीं हो सकता। अगर असर हो सकता तो कभी का रखता सबर बन चुका होता।
लेकिन इसकी किस्मत में अभी और रुसवा होना। और बोलो, और ये मौलवी, काबे के रब की कसम है, ये मौलवी इतने सबक कदमे हैं और इतनी इनकी आंखों के अंदर मैल है, जब तक इक्तदार है ये साथ है, इधर इक्तदार का सूरज गुरूब होगा इधर ये डूब जाएंगे। को किस तरह बाती चाय अफाल बनाया है, तूने आज इस्लामी जमातों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। और मैं इल्जाम लगाता हूं, ज़ियाउल हक, अगर तुम में हिम्मत है मुझ पर मुकदमा चलाओ। मुल्क के अंदर जिस कदर फिरका परस्ती को फरोग हुआ है उसके पीछे ज़ियाउल हक का खुफिया हाथ काम कर रहा है, इसलिए जमातों को लड़ाया है, इसने पारा पारा किया है, इसने लोगों के आगे टुक्कर डाला है, टुक्कर इनको कहा आओ टुक्कर खाने लो, इसने लड़ाया है। और यही वजह है कि हम यह समझते हैं जब मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, आजादी इजहार का हक हो, हर शख्स को उसका हक मिल रहा हो, उस वक्त मुल्क के अंदर अगर के लोग चाहें कभी फिरका परस्ती जोर नहीं पकड़ सकती, उसको फरोग हासिल नहीं हो सकता। और उसकी दलील आज का यह इज्तिमा इससे पहले के होने वाले मसली जमातों के इज्तिमा है, किसी फिरके के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया। क्यों? इसलिए कि उलमा, हक वाले उलमा कौम को लड़ाते नहीं, हुक्मरान इनको अपनी अगराज के लिए लड़ाते हैं, इनको लड़ाया गया है। आज ज़ियाउल हक अपने उम्र तवील को पहुंच चुका है, गिरती हुई दीवार है, टलता हुआ साया है, बुझता हुआ चिराग है, दुनिया की कोई ताकत अब इस देवे नु बुझन तो बचा नहीं सकती। ये दीवा हम बुझन तो रह सकता, ये दीवा बुझ के रहेगा, इसका यौम आखिर आ चुका है। दुनिया की कोई ताकत अब ज़ियाउल हक की आमरियत को बचा सकती? जो बचाएगा और सुन लो, हम मगर इस ज़ियाउल हक की आमरियत के खिलाफ और उस वक्त के खिलाफ जबकि मैं जलसों में कहा करता था, जुबान पे मोहर लगी है तो क्या के रखती है, हर एक हल्का जंजीर में जुबान मैंने, और मताए लोह कलम छिन गई तो क्या है, तो क्या गम है कि खून दिल में दबानी है उंगलियां मैंने। अब वो दौर बीत चुका, अब वो दौर आया है कि मैं फैस के अल्फाज में कहूं, एक खाक नशीन ना उठ बैठो। वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब तख्तों के गिराए जाने का, लेकिन मैं यहां जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की तरफ से इस बात का भी ऐलान करना जरूरी समझता हूं कि हमने आमरियत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है किताब सुन्नत के लिए, हमने आमरियत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है क्यों? किताब और सुन्नत के लिए हम आमरियत के खिलाफ जंग लड़के किसी और इज्म को इस मुल्क की तकदीर बनने देंगे? और बोलो, हम किसी और इज्म को इस मुल्क में चलने देंगे? इंशाअल्लाह अब इस मुल्क में अगर चलेगा तो या रब का कुरान चलेगा या मोहम्मद का फरमान चलेगा, और दुनिया की कोई ताकत अब इस मुल्क में न अमरीत को बाकी रख सकती है, न दुनिया का और कोई निजाम
से एक ऐसी हुकूमत के लिहाज से उभरेंगे जो कि इस्लाम के लिए, जमहूरियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के फरोग के लिए काम करेगी। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। की अमानत ईमान है हमारे, आसानी मिटाना नामो निशा हमारा। बड़े सही का पड़ेंगे जुम्मन अपने अरूज पे थी, ऐसा की पस्ती की जा रही थी, लोग सरवरे कायनात से बिगड़ ना हो चुके थे, क्योंकि वह जुम्मन की मरानी थी। रब्बे अर्ज़ सुना तो हर दिनों से निकल चुका था, हिंदुआना का हिस्सा लेकर इसकी जगह ले रहे थे और इन गुमराहियों के खिलाफ बोलने वाली आवाज को दबा